हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उपदेशामित के पहले श्लोक से, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपीमां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो अभी हम बुक से पढ़ेंगे माता जी, 11th पेज पे वो जो पैराग्राफ है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, जीभ उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की प्रक्रिया तक सीमित करें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्याजाल जरिंद्रिय ताहेकाल जीवे फिले विशेष सागरे तारे मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जय सो प्रसाद अंधियो भाई से अन्न अमृत खाओ राधा कृष्ण कुन गाओ प्रेम ठाके चेताई निताय। हे भगवान, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पिन है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल हैं। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीभ अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीभ को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े दयालु हैं। आपने हमें जीभ को जीतने के लिए सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है, अतएव हम भरपेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आवाहन करें। रस स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस मछली केकड़े अंडे तथा वीर और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी सब्जी पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीभ के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। पान हरी तकी सुपारी तथा पान मसाला तंबाकू LSD गांजा अफीम शराब काफ़ी चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न फल दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीभ के वेग से तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अचय विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6.227 में कहा गया है, जीवार लाल से यदि इति उति ध्याय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीभ उदर तथा जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वह एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाला ना खाइबे और भाल ना परीबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। चैतन्य चरितामृत अंत्य 6.236। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने के में ज़रूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जहाँ तक जननेंद्रियों के वेगों का संबंध है तो वे दो तरह की हैं,
उचित तथा अनुचित अथवा वैध तथा अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसा कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उनके लिए भी हैं। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त में 7वें अध्याय में लिखा है। हो गया ठीक है। हरे कृष्णा। जीवावेगम उदरवेगम उपस्थवेगम टंग बेनियल जेनिटल्स, तो इन तीन विषयों पे आज चर्चा हम करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। जीवा का वेग, वेग मतलब फोर्स है। ये जीवा बड़ी छोटी सी है, कितनी बड़ी है? 2-3 इंच की जीवा है, मगर 6 फीटे आदमी को कहाँ का घुमाती है ना। इसको तृप्त करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। तो ये वेग है, जीवा का वेग है। तुम्हारे आचार्य बताते हैं जीवा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, उदर मतलब पेट का वेग और फिर जनेन्द्रियों का वेग, ये तीनों एक लाइन में है। तो अगर जीवा वेग को कंट्रोल नहीं किया तो बाकी दोनों वेग कंट्रोल होने वाले नहीं हैं, और अगर जीवा को कंट्रोल कर लिया तो बाकी दोनों भी आराम से कंट्रोल होंगे। सो टंग शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट। आयुर्वेद बताता है कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सो हर चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू बी डिसिप्लिन, वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज ना। देर शुड बी ए डिग्निफाइड वे ऑफ ईटिंग। तो जीवा क्या मांगती है? खाना मांगती है ना, मगर खाना कैसे देना हो उसको, ये हमारे हाथ में है। देखिए ये जो शरीर है ये एक व्हीकल है, ये एक एजेंट का काम करता है। जैसे कार है, कार में सबसे इम्पोर्टेंट उसका ड्राइवर, ड्राइवर ना हो तो कार नहीं चल पाएगी। मगर इसके ये मतलब नहीं है कि कार को ध्यान ना दे आप, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है मगर कार को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो शरीर है ये एक एजेंट के समान है, कार के समान है, मगर इसके अंदर एक इसका ड्राइवर बैठा है, वो है आत्मा। तो आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इस शरीर को निगलेक्ट करें। तो शरीर पे ध्यान तो देना पड़ेगा। ये जो शरीर है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तो ड्राइवर हैज़ टू बी हेल्दी। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट निगलेक्ट द बॉडी ऑल्सो। तो आयुर्वेद बार बार हमें बताता रहता है कि हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, हम कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जैसे बताया जाता है शाम के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए, आइडियली हैबिट में नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में अग्नि होती है, जठराग्नि ना, वो शाम के बाद बुझने लग जाती है, फिर स्टमक प्रॉब्लम्स आती है। और बताते 130 प्रकार की ना, 130 वेरिड वराइटीज़ ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स आर वेटिंग फॉर यू ना। पेट में अल्सर होगा, गैस होगी, तो इस प्रकार अलग अलग बीमारियाँ तैयार बैठी हैं। तो अगर हम शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, इस जीवा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनफैक्ट ये भी बताया जाता है जो पशु है ना वो भी शाम के बाद खाना नहीं खाते। कभी देखा हमने? वो शाम के बाद आराम से बैठे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी खाना खाने का समय चला गया, तो हम सुबह मुँह मारेंगे, अब कहीं मुँह नहीं मारना हमें। मगर हम तो लगे रहते हैं, जब नींद खुली रात को 12-1 बजे कहीं गए ना, मुँह में डाल दिया कुछ। तो उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। कोई भी पशु ओवर ईटिंग नहीं करता है हाँ। संसार में रोग कभी कम खाने से नहीं होते हैं ना, ज़्यादा खाने से होते हैं। ओवर ईटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, अंडर ईटिंग जनरली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे ही कोई भी वो जो पशु है ना, ऐसे नहीं हो गया बहुत खा लिया, बड़ा बल्कि हो गया जी, खा खा के ना, मनुष्य बल्कि हो जाता है, ओबीज हो जाता है। मगर पशु बड़े लिमिटेड, बड़े ऑर्गेनाइज, बड़े डिसिप्लिन वे में खाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा पशु सूंघते हैं खाने को, और जो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी ना वो खाएंगे नहीं। पसंद नहीं सेंस जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उसको छोड़ देंगे वहाँ पे। मगर हमारा हम खा भी लेते हैं, उसके मजे भी ले लेते हैं है ना, उसके बाद भी हमें पता नहीं लगता कि किसी के कारण बीमार हुए हम है ना। तो ये सेंस
बहुत जरूरी है इसको एक्टिव करना. क्यों? क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा. तो कैसा अन्न हम खा रहे हैं ये हमारे इस शरीर के लिए भी बड़ा जरूरी है और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. तो इसलिए जीवा वैकम की यहाँ बात कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, कंट्रोल ऑफ टंग. अब कैसे जीवा को कंट्रोल करें ना, ये तो खाना मांगती है. तो जैसे पानी, आप रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री कर दो तो क्या होगा, फिर मरणम होगा सबका. और 0 डिग्री कर दो उसमें भी कुछ हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. तो एक बैलेंस्ड टेम्परेचर चाहिए ना, 37 डिग्री सेल्सियस जिसमें एक्टिविटी हो सकती है. तो ऐसे ही जीवा को भी कुछ एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए ना. उसको बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते और इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते. तो बैलेंस्ड एक्टिविटी वो जानने की आवश्यकता है. तो इसलिए हमें शास्त्र बोलते हैं कि हम अपनी जो मटेरियल डिजायर्स है उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं ना, मगर उसको रेगुलेट जरूर कर सकते हैं. तो हमने अपने शरीर की डिमांड्स को फुलफिल तो करना है, मगर इतना भी फुलफिल नहीं करता ना कि वो हमारी इंद्रियों को एग्रेवेट कर दे ना, उत्तेजित कर दे. तो इसको जानने की आवश्यकता है कि ये जो जीवा है ना, ये हमें, हमारे लिए एक ट्रैप है, हमें फंसाती है. आप किसी दुकान पे जाते हैं ना, जब बहुत तली तली चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, बड़े सारे वो पकौड़े तले हुए हैं, बड़े सारे पापड़ तले हुए हैं, तो उस दुकान पे आप चढ़ गए तो आपको क्या करते हैं, पहले हाथ में देते हैं, बोले खा के देखो आप ना, फ्री में खिलाएं हाथ में. तो आप खाएंगे तो आपके मुंह पे टेस्ट लग जाएगा, बोले जल्दी से पैक करो, ये 1 किलो पैक करो मेरे लिए ना. तो जीवा पे टेस्ट लगा दिया गया और उससे आपको ट्रैप किया गया. तो हम भी कई बार इस ट्रैप में फंसते रहते हैं ना, ले जी लो, हम तो प्रसाद बोलते हैं ना, प्रसाद लो जी, यहाँ का मथुरा के पेड़े आए हैं जी, और जगन्नाथपुर के ना वहाँ पे खाजे आए हैं ना, फिर कोई और लेके आएगा, यहाँ से यहाँ पे प्रसाद है, यहाँ से प्रसाद है, हम सब लेते रहते हैं अंदर, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. हाँ प्रसाद है, मगर कितनी क्वांटिटी लेनी है ना, उसको जानना बड़ा आवश्यक है. चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर ये श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है, जीवार लालसा ये इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए. जीवार लालसा बड़ा सुंदर मीटर है और समझने में बहुत आसान है. जीवार लालसा मतलब अपने टंग के टेस्ट के लिए, जीवार लालसा यही इत्युति धाय ना, हम क्या करते हैं इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जंप लगाते रहते हैं जीवा को तृप्त करने के लिए. तो जो व्यक्ति ऐसे करता रहता है, बस भागता रहता है कि यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, जीवार लालसा यही इत्युति धाय शिष्णोदर परायण है ना, जो अपने, फिर वो क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जेनिटल्स के अनुगत हो जाता है. शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा मगर कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण से वो बहुत दूर चला जाएगा, जो केवल जीवा को तृप्त करने के लिए इधर उधर भागता है. तो हाँ हम इस्कॉन में तो आए थे खाने के लिए, प्रसाद के लिए, बड़ा टेस्टी प्रसाद था, मगर केवल यही फोकस ना रह जाए हमारा. प्रसाद प्योरीफाइंग है, प्रसाद कृष्ण है, मगर किस भाव से पाया जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो केवल हम प्रसाद को आइटम्स ना देखने लग जाएं ना, कि ये रसगुल्ला प्रसाद है, ये पनीर प्रसाद है, ना ये पिज़्ज़ा प्रसाद है, ना रसमलाई प्रसाद है, उससे ऊपर उठने की भी आवश्यकता है ना. तो उसमें देख पाएं कि ये कृष्ण की कृपा है ना, सबसे महत्वपूर्ण ये है. तो जो हमारी जीवा है, आवर टंग वॉन्ट्स क्वालिटी एंड आवर स्टमक वॉन्ट्स क्वान्टिटी, तो ये इन दोनों चीज़ों में हम फंस जाते हैं. तो जीवा को तो टेस्ट चाहिए और पेट को ज़्यादा टेस्ट चाहिए ना, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. गौशाला में भी जाएंगे ना आप, तो वहाँ गाय होंगी, तो वहाँ गाय को आप भूसा खिलाओ, वहाँ देखेगी नहीं आपकी तरफ, बोले कहाँ से आ गया तू, आइटम निकल यहाँ से, है ना. फिर वो कोई आके बताएगा, अरे ये ना स्टैंडर्ड गाय है, ये भूसा नहीं खाती आपका, लो जी ये आइटम लेके आओ ना, ये आइटम खाएंगी, क्या है ना उसमें, गुड़ गोला है ना, गुड़ का आइटम वो बनाया हुआ है ना, गोल गोल लड्डू बनाया हुआ है, ये खिलाओ, वो हाथ चाट चाट के खाइए आपकी. तो उनको भी पता है ना क्वालिटी ना, टेस्ट है उसमें. हाँ वो ज़्यादा खा लेंगी तो फिर पेट खराब हो जाएगा, है ना. सो द मोर गुड इज़ नॉट गुड फॉर देयर स्टमक. तो रेगुलेशन की आवश्यकता है ना, कंट्रोल करने की आवश्यकता है. तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे एक चींटी है,
वो 20वें फ्लोर पे भी चली जाएगी ना मंजिल में, वहाँ पे अगर थोड़ा सा चीनी गिरी हो तो वहाँ पे पहुँच जाएगी वो। कहाँ से उसको खबर मिली है? खबर कहाँ से मिली है? जीवा बेगम, जीवा का वेग उसको वहाँ तक ले गया। सोचो 20वीं मंजिल में, नीचे से चढ़ी होगी ना चींटी, यहाँ से ऊपर चढ़ गई वो बिना लिफ्ट के, जीवा के वेग को तृप्त करने के लिए। ऐसे ही लोग जाते हैं, एक हमारा IIT में दोस्त था, बड़ा खूब चटोरा था, मतलब कोई भी आइटम देखेगा है ना ऐसी तली पली सी, उसको ऐसी बड़ी जीभ निकल जाएगी बाहर। तो कहीं पे भी कुछ भी स्टॉल लगा हो IIT में है ना, तो वहाँ पहुँच जाता था वो खाने के लिए। उसको बोलते थे भैया थोड़ा पढ़ाई भी कर ले, बोले नहीं भैया अब तो मज़े के दिन है, एंट्री कर ली हमने है ना, अंदर आना हमारा काम, बाहर निकालना अथॉरिटीज़ का काम, वही देंगे डिग्री जैसे भी देंगे हमें। तो बाद में उसकी NFT आ गई है ना, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बोले तो यही काम कर, तो खा पी ना, तेरे को डिग्री नहीं मिल सकती है। जीवन बर्बाद कर दिया उसने केवल इस जीवा को तृप्त करने के चक्कर में, गोल भूल गया अपना, क्या लक्ष्य क्या है। ऐसी कई बार जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो स्पोर्ट्स में लग जाते हैं, कुछ लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, कुछ लोग डिबेट्स में लग जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट में आ जाते हैं ना, मगर लक्ष्य भूल जाते हैं। किस लिए आए थे आप कॉलेज में? पढ़ने के लिए। तो लक्ष्य भूलना नहीं है कि हाँ खाना हम किस लिए खा रहे हैं, ये तो सब ठीक है, टेस्ट है ना, मज़ा है उसमें, मगर अल्टीमेटली शरीर को पोषण भी तो देना है। कई बार हमें लगता है कि ज़्यादा खाने से शक्ति मिलेगी है ना, कई बार माँ ये बोलती है ना, देखो अरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं, इसको फास्ट नहीं कराऊंगा मैं, कुछ खाया तो मैं भूख लगी, इसको भूख लगी फिर क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी है ना, खिलाओ जी खिलाओ, इस्कॉन वाले कुछ फास्टिंग कराते हैं, माँ नहीं भेजूंगा मैं इसको, खिलाते नहीं कुछ, मगर उनको पता नहीं है ना कि खाने से शक्ति नहीं मिलती, मगर थोड़ा सा खाने से और बाकी ना खाने से शक्ति मिलती है ना। शरीर में जितना ना मान लीजिए 20-30% आपने इसको फिल किया खाने से, फिर 20-30% फिल किया पानी से, फिर बाकी जो 40% बचा है ना वो एनर्जी देता है उन दोनों चीज़ों को पचाने में, वो एनर्जी बचती नहीं, यहाँ तक तो भर लेते हैं अपने आप को, फिर हाँफने लगते हैं बोले क्या करूँ क्या करूँ, गोलियाँ गए गोलियाँ है ना, फिर वो गोलियाँ मांगते हैं, गैस की गोलियाँ मांगते हैं, पचाने की गोलियाँ मांगते हैं। तो ये कला हमें सीखनी पड़ेगी ना, कि कितना रेगुलेशन करना है अपने बॉडी को, कितना उसको देना है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। दो सबकी डिमांड्स अलग अलग हैं, मगर वो जानने की आवश्यकता है। तो कई बार प्रसाद के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं ना। देखिए प्रसाद में क्या होता है, कुछ आइटम्स होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं है ना, जितना मर्जी खाइए आप ना, खिचड़ी है खूब खाइए, चावल दाल खूब खाइए, कुछ क्वांटिटीज कुछ आइटम्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं है ना, जैसे कुछ स्वीट्स हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में दी जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो महंगी होती हैं कुछ होता है, इसलिए कि वो ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। मगर हम लोग इतने बेशरम होते हैं, हाँ नहीं दिया ना मैं, नीचे बैठे हुए प्लेट पे, वहाँ से पहुँच जाएंगे जहाँ सोर्स है उसका, वहाँ से बेशरम होकर वहाँ से मांगने ले जाएंगे। तो रेगुलेशन रिक्वायर्ड है ना, कितना क्वांटिटी में खाना है, और हमेशा टेस्ट के पीछे भागेंगे तो फिर ये हाल होगा। जीवार लाल से यही इति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो कभी कभी चलता है ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स खाना ना, विच आर कॉल्ड फाइन आइटम्स है ना, जैसे पनीर हो गया ना, स्वीट्स हो गए, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, मगर जब हम उसको अपनी डाइट में हर रोज इंक्लूड करने लग जाते हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम है ना। तो लूची चीनी पूरी वाली है ना, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा मैदा है, बहुत ज़्यादा तला हुआ है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है, तो ये सब खाना, दीज आर ऑल फाइन फूड्स। तो शास्त्र बताते हैं भालो ना खाइबे यार भालो ना परिबे ना, जो भक्त बनना चाहता है तो ये स्वादिष्ट आइटमों के पीछे ज़्यादा ना भागे, और ऐसी जो हमारे ना कपड़े होने चाहिए वो भी मोडेस्ट होने चाहिए है ना, वो भी एक भक्त की पहचान कराने वाले होने चाहिए दूसरों को। एक्चुअली एक जो भक्त है उसका ये ड्यूटी है, वो क्या करे, वो दूसरों के माइंड को पवित्र करे, दूषित नहीं करे। मगर कई बार हम ऐसे ना बड़े फंकी कपड़े पहने ले जाते हैं कि सामने वाले का माइंड ही पॉल्यूट हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू पॉल्यूट, यू हैव टू प्योरीफाई द माइंड ऑफ अदर्स, दिस इज द ड्यूटी ऑफ वैष्णवास। तो हमेशा ना वो चोला ध्यान हमेशा डाल के रखना है, ध्यान रखना है कि हम गुरु से जुड़े हुए हैं, हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हम कृष्ण के उत्तराधिकारी हैं ना, तो हम वो कार्य नहीं कर सकते जो बाहर के लोग कर रहे हैं खुलेआम ना, हमें अपने रेगुलेशन में रहना होगा।
तो कई बार इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, तो ये ग्रीड हमें मार जाती है ना। खाने को तो सबको मिलता है ना। जगन्नाथ जी बोलते हैं मेरे धाम में कोई भूखा नहीं रह सकता ना। ये जगन्नाथ जी का स्टैंडिंग गारंटी है, इंस्ट्रक्शन है कि जो मेरे मंदिर आया, जो मेरे धाम आया, कभी भूखा नहीं जाएगा। मगर नहीं है ना, हमें वो खिचड़ी की भूख से भूख नहीं मिटानी है ना, हमें किसी और चीज़ की भूख रहती है, तो उसके कारण भूखे रह जाते हैं। सो ये ग्रीड मार जाती है। एक जो मछली पानी में है उसको भरपूर खाने को मिलता है। ईशोपनिषद में वर्णन आता है बड़ा सुंदर श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्त्वेन भुंजिता कस्यचित् धनम माग्रिता। कि भगवान ने इतना कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है सब जीवात्माओं के लिए कि कोई भूखा नहीं रह सकता। कृष्णा इज मेकिंग दैट अरेंजमेंट। इसका प्रूफ अगर जानना चाहते हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय देखिए, एक जो छोटा सा बच्चा है जिसके मुंह में अभी दांत नहीं है, उसको खाना पीना कुछ नहीं आता है और ना उसके पास वो पाचन शक्ति है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माता के स्तनों में दुग्ध आने लग जाता है उसी समय, उससे पहले नहीं, उसके बाद थोड़े समय तक आता है फिर चला जाता है। तो कहाँ, किसने अरेंजमेंट किया, कौन सी पाइप लगाई वहाँ पे ना, तो कहाँ से वो कनेक्शन आया ना। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है, उस बच्चे को भी भगवान पाल रहे हैं, उसी समय दूध आ जाता है। सोचिए तो सबके लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया हुआ है ना। तो देर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इस लोभ के कारण फंस जाते हैं। तो हमारे ना कई बार तो जो लोभ है वो मुंह में होता है, मगर कई बार लोभ आंखों में भी होता है। मतलब खाना खा भी लिया ना, उसके बाद भी आंखें ताकते रहते थे उधर। मंदिर में आया ना यहाँ पे, तो अभी खाना खा के आए थे मगर यहाँ ठाकुर जी को भोग लग रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं आइटम कितने हैं, आंखें भोगना चाहती हैं। सो वे आवर टंग, दो टंग इज ग्रीडी बट आवर आईज आर ऑल्सो ग्रीडी है ना। तो असली भूख तो कई बार आंखों में ही होती है ना। पेट भर चुका है मगर आंखें मान नहीं रही हैं और भोगना चाहती हूँ। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि इस ये जो जीवा है इसको कंट्रोल करने के लिए ना ये प्रार्थना आप बोलिए। तो जब भी हम भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं उससे पहले प्रार्थना बोलते हैं ना, उसको महाप्रसाद प्रार्थना बोला जाता है ना। तो सब भक्तों को प्रार्थना बोलनी चाहिए ना, जब भी प्रसाद को ऑनर करें। हम प्रसाद को खाते नहीं हैं, प्रसाद को पाते हैं, वही ऑनर। ये भगवान की कृपा आई है हमारे पास तो हम उसको स्वीकार करते हैं। अब भगवान का जो प्रसाद है भगवान से अभिन्न है, तो सामने भगवान है तो उन क्या करते हैं, हम ऑफर करते हैं, ऑनर करते हैं उस प्रसाद को प्रार्थना बोल के। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासने व्रजायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीव फेले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जीवा जाए सो प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो एक ही तरीका है इस जीवा को कंट्रोल करने का, वो है कृष्ण की कृपा। तार मध्य जीवाती, हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं और इंद्रियां क्या हैं, ये सब माया का जाल है, हमें फंसा देती हैं। मगर इन इंद्रियों का जो सरदार है वो है ये जीवा, इस सरगना है सारी इंद्रियों का, ये डायरेक्ट करती है कि बाकी सारी इंद्रियों को कैसे फंसाना है। तो बहुत ही फेरोशियस है ये टंक, मगर इसको भी कंट्रोल करने के लिए भगवान इतने कृपालु बन जाते हैं। क्या करते हैं, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, ये अपना प्रसाद हमें दे देते हैं, सही अन्न अमृत पाओ ना। तो क्या करो आप, इस अमृत को पाओ। तो अभी ये आइटम नहीं है, ये अमृत बन चुका है, भगवान ने इसको चख लिया है ना, तो ये अमृत बन चुका है ना, तो ये नेक्टर है, तो इसको स्वीकार करो। क्या करो, फिर साथ साथ राधा कृष्ण का गुण गाते हुए ना उनकी ग्लोरीफाई करते हुए, भगवान आप कितने कृपालु हैं, आपने मेरी जीवा को कंट्रोल करने के लिए मेरी ही पसंद का आइटम दे दिया, उसको मैं पा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी जीवा कंट्रोल होगी। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, हमें जब भी प्रसाद पाएं तो उससे पहले प्रार्थना को बोले। तो जीवा वेगम, तो असली प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जो जीवा है वो पैलेटेबल आइटम्स खाना चाहती है ना, जो बड़े डिलीशियस आइटम्स हैं
कई बार क्या होता है, लोगों को देखा हमने कि प्रसाद पा लिया है मंदिर में, फिर उसके बाद फिर जाएंगे स्नैक्स शॉप पे, ना वहाँ से कुछ आइसक्रीम खरीदेंगे, ना वहाँ से कुछ स्वीट्स खरीदेंगे, और है ना, तो स्वीट शॉप पे जाना ना आइसक्रीम बार्स पार्लर्स पे जाना, तो ये क्या, ये प्रॉब्लम है हमारी, अनऑफर्ड फूड खाना, जो भगवान को ऑफर नहीं है, जो भी प्रसाद नहीं बना है, जो भोग है उसको खाना, ये प्रॉब्लम है हमारी, और अनरेगुलेटेड टाइम्स पे खाना, अनशेड्यूल टाइम्स पे बार बार खाना, ये प्रॉब्लम है, ये है जीवावेग। तो शास्त्र बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, विषैर अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन मन ना होइला कृष्णेर स्मरण। तो जब विषयी अन्न खाएंगे ना, ऐसा अन्न जो भगवान को अर्पित नहीं है, ऐसा अन्न ना जो केवल पैलेटेबल है ना, मगर उसमें कर्मा अभी भी इंप्लिकेटेड है, वो भगवान को ऑफर नहीं किया हुआ, तो विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन, तो मन मलिन हो जाएगा, मन डर्टी हो जाएगा, मलिन मन ना होइला कृष्ण रस मन, तो ऐसे गंदे मन से है ना फिर कृष्ण का स्मरण करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो कई बार भक्ति बड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए लगती है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कंटैमिनेटेड है विषयी अन्न खा के, टॉक्सिक है वो, विषय मतलब विष के समान, तो वो जहर बन चुका है हमारे लिए, तो ऐसे अन्न से हमें बचना है। एक बार की बात है, शिल प्रभुपाद को एक बिजनेसमैन ने बुलाया अपने बंगलों में कि आइए स्वामी जी आप यहाँ पे आके रहिए 3 दिन, है ना, आप यहाँ पे रहिए, जितने भी भक्त लाना चाहते हैं आप ले आइए, खूब कथा कीर्तन कीजिए और हम आपके लिए खूब अरेंजमेंट करेंगे खाने का। तो सब भक्त बड़े खुश हो गए कि चलो जी अब है ना, अब मंदिर से थोड़ा ब्रेक मिलेगा, है ना, बंगलों में जाएंगे, वहाँ अच्छी वादियों में रहेंगे और अच्छा खाना मिलेगा। तो पहले दिन गए तो खूब कीर्तन हुआ और रात को फिर 9:30-10 बजे खाना आया वहाँ पर, सब भक्तों ने खूब दबा के खाया और एक एक फाइन आइटम्स थे वहाँ पे, स्पेशलिटी है ना, तो 4-5 प्रकार की स्वीट्स थी ना, बहुत सारी प्रकार की सब्जियाँ थी, खूब दबा के भक्तों ने खाया। और सुबह जब प्रभुपाद जी ऑल्टर में आए वहाँ पे मंगल आरती करने, तो खराटों की आवाज़ आ रही है, प्रभुपाद जी बोले क्या हो रही, कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो एक ड्यूटी बोलता प्रभुपाद क्या बताएं, रात को इतनी मस्त फिश खाई थी सबने ना, अब किसी का मन नहीं कर रहा, कोई उठ ही नहीं पा रहा है, प्रयास तो बहुत किया हमने, हरी बोल उठो उठो उठो, और कोई उठ ही नहीं पा रहा है ना। तो प्रभुपाद जी उसी समय बोले चलो सब बैग पैक करो, लेट्स गो बैक। तो बोलते प्रभुपाद जी यहाँ तो 3 दिन रहना था हमें, बोले नहीं, अब जो हमारा गोल था वो हम भूल गए ना, किस लिए आए थे यहाँ पे, भक्तों का कार्य था या कथा कीर्तन करना, उस भोजन में लिप्त होने का कार्य नहीं था हमारा, मगर हम भटक गए, क्यों, क्योंकि वो जो आपने खाना खाया है उसमें कर्मा इम्प्लीकेटेड है ना, और आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस कर्म को जला पाओ, जैसे जो गुरुजन होते हैं है ना, गुरुजन के पास इतनी उनकी पार्टी होती है, इतनी सुकृति होती है, इतनी भक्ति होती है, वो किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, किसी भी पाप को जला सकते हैं। एक जैसे गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और जब वो दीक्षा देता है गुरु, तो क्या करता है, शिष्य को तो दीक्षा दी और शिष्य से क्या लिया, गुरु दक्षिणा है नहीं, उसको जरूरत नहीं है, शिष्य से क्या लेता है, उसके सारे पापों को ले लेता है। तो फिर ऐसे क्यों कर सकता है गुरु, ऐसे इसलिए कर सकता है क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो सारे पापों को ले देता है और उसको भस्म बना देता है, भस्म कर देता है बिल्कुल, गुरु इज सो एम्पावर्ड बाय कृष्णा। मगर हम जैसे छोटे मोटे लोग है ना, हम जब भगवान को जो अर्पित भोग है, भोजन है, वो स्वीकार नहीं करेंगे और जो अनर्पित भोग है उसको खाने लग जाएंगे, तो फिर हमें कर्मा लगेगा। और इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति उस भोजन को पका रहा है उसकी क्या चेतना है उस पर भी निर्भर है, वो भोजन आपके अंदर जाके क्या चेतना आपके अंदर लाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ऐसे भोजन भी हमें नहीं लेने चाहिए जो भगवान को भोग करने की इंटेंशन से नहीं बनाए गए। अब ये आप इसको डिटेल में समझेंगे तो फिर सारे बिस्किट आउट, सारी नमकीनें आउट, है ना, क्यों, क्योंकि वो किस लिए बनाए गए थे, भगवान को ऑफर करने के लिए बनाए थे ना, वो तो मार्केट में सजने के लिए बनाए थे ना, मशीन ने बना तो दिए, मगर मशीन का बटन किसने दबाया ना, एक व्यक्ति ने जो कर्मी है ना,
जो पैसा कमाना चाहता है ना, जो जो प्रोफेशनल एक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है वो भी कर्म से लिप्त है, तो ये स्टैंडर्ड है। तो हमें देखना है कि हम कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें भी कर्म है। अब बिस्किट्स खाएंगे, नमकीन्स खाएंगे, तो ना मोस्टली वी शुड अवॉइड अनटिल नेस देर इज़ एन इमरजेंसी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा आपको ना, तो ठीक है चलिए कुछ नहीं, और नहीं तो बिस्किट का पैकेट लेकर ऑफर करके आप खा लीजिए, दैट इज़ फॉर एमरजेंसी। मगर आप तो पहले ही घर में पहले होता है, सामने गेस्ट आता नहीं उसे पहले लगा के होती थालियाँ वहाँ पे, लो जी खाओ, हम तो बनाएंगे नहीं, खा लो। तो कर्म है, उसे बचना चाहिए। गोविंदास है ना, गोविंदास में क्या है ना, बड़े सुंदर सुंदर आइटम है, फाइन आइटम्स हैं है ना, बड़े डिलीशियस है ना, यम्मी यम्मी आइटम्स हैं है ना, तो वहाँ पे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना है तो जानिए पहले कि कौन बना रहा है, तो वो भक्त है, माला करता है, क्या चाहिए इतना है। तो अगर ऐसा भक्ति बना रहा है तो स्वीकार कीजिए, मगर वो भी वंस इन अ वाइल, ये नहीं कि हर रोज ही बैठे वहाँ पे गोविंदा। कुछ लोग तो वीकेंड का वहीं मिलते हैं, बोले मंदिर का प्रचार नहीं हमें समझ आता जी, हम तो वहीं जाते हैं, अच्छा एसी चल रहा होता है सामने आ जाता है हमारे, ठाट के खाना खाते। तो फिर गोविंदाज है किसके लिए ना, गोविंदाज इज़ फॉर न्यू पीपल, उनको आकर्षित करने के लिए, कि जो लोग बाहर रेस्टोरों में खाते हैं कि चलो ठीक है यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ आने के बहाने थोड़ा मंदिर में भी घुस लेंगे, हमारे बड़े सारे सुदामा पार्षद हैं पकड़ लेंगे उनको, मंदिर ले आएंगे अंदर, थोड़ा सेवा भी करा देंगे, ठाकुर जी के दर्शन भी करा देंगे, फिर कभी क्लासेस में उनको एंगेज कर देंगे, तो उनकी भक्ति बढ़ने लग जाएगी। तो उनको स्वीकृति देने के लिए गोविंदास है ना, मगर हाँ जो ना जो भक्त भक्ति में सिंसियर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दे शुड बी अवॉइडिंग है ना इस प्रकार का ना, जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड फूड है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके ना, कभी प्रोग्राम है कुछ है वहाँ समझ आता है ना, मगर इंटेंशनली बार बार जाना ना, केवल जीवा को तृप्त करने के लिए, तो फिर वहाँ पे कर्म लिप्त हो जाएगा है ना, तो वो हमारी चेतना को दूषित करेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, तो छह प्रकार की अर्जीज हैं जीवा की, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कमेंट्री देते हैं उसमें। तो पहला है तमो ना, तमो की कौन सी अर्ज है हमारी ना, डेड बॉडीज खाने की, मांस खाने की। रजो ना, स्पाइसी फूड खाने की, मतलब ऐसा खाते हैं लोग, वो कॉर्नर पे जाते हैं ना चाट पापड़ी वाले, भैया मस्त वाला लगाना एकदम बढ़िया सा चटकारा है इसमें गोलगप्पे में, इतना थोड़ा मसाला तो डालो इसमें, तो तीखा है ही नहीं आपका, मतलब वो खाते खाते भी मुंह से धुएं निकल रहे हैं ना, और फिर जब एक्सक्रीट करते हैं तब भी धुएं निकलते हैं, इतना इसमें तीखा है, वो छोड़ते नहीं उसके बाद खाना उसको, तो ये रजोगुणी खाना है। फिर तीसरा है सत्व, लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। फिर फोर्थ है महातमो, इंटॉक्सिकेंट्स, नशा। फिर पांचवा जो अर्ज है वो है प्रसाद। अब प्रसाद का क्या अर्ज है ना, ये तो अच्छा होता है प्रसाद ना, मगर प्रसाद में भी कई बार जीवा का वेग आ जाता है कि भगवान को वही चीज़ें भोग लगाना जो हमें अच्छी लगती हैं ना, बार बार वही लगा रहे हैं ना। अब ठाकुर जी बोलेंगे भैया कभी घिया ले आओ, कभी टिंडा लगाओ, ये तो कभी खिला दो, 10 साल हो गए कभी मैं देखा नहीं तुम्हारे घर में शक्ल इसकी, कभी तो लगा दो मुझे भोग। बोले ना जी ना, ये नहीं लगाएं क्योंकि हम खाते नहीं, हमारे अंदर नहीं जाता ये, ठाकुर जी को तो खिलाना चाहिए। तो ये प्रसाद का वेग है। तो ये जो भोजन है, ये भगवद्गीता में वर्णन आता है कि भोजन भी तीन गुणों में रहता है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण में जैसे मांसाहार है और ऐसा जो नशे में नशा करने वाला जो भोजन है वो तमोगुण में आता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर रजोगुण में कौन सा भोजन आता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखा है ना, बड़े पंजेंट है, बड़ा ड्राई है, स्ट्रिंजेंट है, तो ऐसा भोजन। तो इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि जो बहुत ज़्यादा बासी भोजन हो जाता है वो भी रजोगुणी बन जाता है। देखिए हमारी सोसाइटी में जब से दो इन्वेंशन हुई है ना, तब तो हम असली खाना भूल गए, असली खाना खाना भूल गए ना, पहला है फ्रिज और दूसरा माइक्रोवेव ओवन।
है ना। तो पहले के समय में लोग खाना बनाते थे ना हर समय, और खाना बनाया खा लिया, और जितना बचा उसको बाहर जाके लोगों को दे देते थे ना, कोई भिखारी होगा या कुछ जिसको भूख लग रही होगी उसको दे देते थे, नहीं तो मिला तो कोई पशु को दे देते थे। मगर अब क्या है, अब तो खाना हमने तो खा लिया, अब बच गया, अब उसको क्या करेंगे, बोले डालो जी फ्रिज में डालो, फ्रिज लेके आए हम 30,000 रुपये का, इसको यूज़ तो करेंगे। और फ्रिज से फिर अगले दिन सुबह निकाला, फिर डालो जी डालो माइक्रोवेव में डालो, 2 मिनट में खाना तैयार ना, कौन बनाएगा कौन लगाएगा इतना समय, तो वहाँ से माइक्रोवेव से निकाला, उसके बाद वो खाया फिर बच गया, फिर डालो फ्रिज में, फिर माइक्रोवेव, फ्रिज फिर माइक्रोवेव, मतलब आखिरी तक एक एक दाना कतरा उसको हम छोड़ते नहीं हैं। और फिर फाइनली क्या है, तमोगुण खा रहे हैं हम, रजोगुण खा रहे हैं, फिर वैसी बुद्धि हो जाती है। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी है। इनफैक्ट जो दूध पीते हैं हम, है ना, अब दूध तो पता नहीं कहाँ का है, गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, पता नहीं मशीन का है, समझ नहीं आता वो दूध। असली में जानेंगे पता लगेगा तो दूध कहाँ से आ रहा है, वो यूरिया बना के, यूरिया मिला के ना, और सोयाबीन मिला के उसको दूध बनाया जाता है ना, पता नहीं कहाँ का दूध है वो। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे लिए, तो हमें सोर्स जानने की आवश्यकता है कि कहाँ से वो आ रहा है ना, तब जाके हम एनालाइज कर पाएंगे सही से। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो आहार का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। आहार शुद्ध होगा तो हमारे चेतना का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो कैसे होगा आहार शुद्ध, प्रसाद को पाकर, रेगुलेटरी टाइम्स पे प्रसाद को पाकर। और जो प्रसाद पा रहा है सो वो माया के चंगुल से फिर बच पाएगा। तो प्रसाद में दोनों चीजें आवश्यक हैं, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। तो अगर क्वांटिटी ज्यादा ली तो लेजी हो जाएंगे, और ज़्यादा क्वालिटी में पड़ गए है ना, तो फिर हम हमेशा उत्तेजित रहेंगे, एजिटेटेड रहेंगे, जीवा को तृप्त करने के लिए इधर उधर भागते रहेंगे। और ये कार्य करेंगे तो रोग से भी बच जाएंगे, भोग से भी बचेंगे और रोग से भी बचेंगे। और अगर भोग में लगे तो निश्चित है भोग से रोग आएगा, फिर जितने मर्जी योग कर लीजिए वो सुधरने वाला नहीं है ना। तो बेहतर है कि पहले ही रोग लगा दें ना, कि रोग आने से पहले भोग पे हम रोक लगा दें। और योग तो हम कर ही रहे हैं, भक्ति योग, तो फिर दूसरे योग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो हमारे आचार्य बताते हैं पांचांग भक्ति का सहारा लेना चाहिए हमें, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं इसको पार करने के लिए। साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। साधु संग, भक्तों का संग करें हम, नाम संकीर्तन हरि नाम में भाग लें, भागवत श्रवण हरि कथा का श्रवण करें, भागवत का श्रवण करें, मथुरावास जब भी धाम यात्रा जाने का मौका मिले तो उसको ग्रैब कर लें, श्री मूर्ति है श्रद्धया सेवन, और ठाकुर जी की जो विग्रह है उसकी सेवा करें। तो ये पांचांग भक्ति में जब हम लगेंगे तो अपने लाइफ को हम रेगुलेट कर सकते हैं, प्रसाद पाएं समय पर, और केवल प्रसाद ही पाएं। और जो भी हमारे उत्सव हैं उसमें फास्टिंग भी करें, अलग अलग जो उत्सव आते हैं हमारे इस्कॉन में, तो बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं ना जहाँ पे 12 बजे तक फास्टिंग है, 6 बजे तक फास्टिंग है, रात के 12 बजे तक फास्टिंग है, अगले दिन तक फास्टिंग है ना। तो इन सब फेस्टिवल्स पे हम फास्टिंग भी करें ना, एकादशी पे फास्टिंग करें, तो फिर शरीर भी स्वस्थ होगा और चित्त भी हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो यह जीवा वेगम, और फिर जीवा वेगम के बाद क्या है, उत्तर वेगम। तो जीवा कंट्रोल होगी तो जो पेट है वो अपने आप कंट्रोल होगा ना, वो लाइन में है। देन कम्स उपस्थ वेगम, जेनिटल्स का वेग, जनेन्द्रियों का वेग। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है अननेसेसरी एंगेजमेंट ऑफ आर जेनिटल्स। तो फिर नेसेसरी एंगेजमेंट क्या है, तो भगवान बताते हैं गीता में है ना, कि धर्म अविरुद्धो कामो, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतश्रभा, वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। दैट मीन्स धर्म क्या है, तो एक गृहस्थ जीवन का धर्म क्या है, संतानोत्पत्ति, टू बी गेट चिल्ड्रन। तो जब बच्चों की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग किया जाता है तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं, वो रेगुलेटेड है, मगर उसके अलावा जहां पे भी
जेनिटल्स का प्रयोग किया जाता है वो अननेसेसरी एंगेजमेंट है, तो वो हमारे उपस्थ वेग है। तो ये वेग आता कहां से है ना, अब जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकलेगा। तो जो अंदर जा रहा है हमारे इंद्रियों के माध्यम से, हमारी आंखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, तो फिर हमारे जो इंद्रियां हैं वो प्रवोक हो जाती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो इनपुट स्क्रिप्ट है ना, उसको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। देखिए माइंड तो क्या है, माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स ना, माइंड तो स्टोरेज स्पेस है, उसमें अंदर जो डालोगे वो निकल जाएगा बाहर, है ना। तो अगर हमारी स्क्रिप्ट ही बेकार है ना, ऐसी मूवीज हमने देखी हैं बचपन से, है ना, जो हमेशा प्रोवोक करने वाली हैं, एजिटेट करने वाली हैं, ऐसे बिलबोर्ड्स हमने देखे हैं ना, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हमने देखी हैं, तो हमेशा वो एजिटेटेड मोड में रहते हैं और उसके कारण हमारे जेनिटल्स बार बार एजिटेट होते रहते हैं, वो टिटिलेट होते रहते हैं, फिर हम प्रोवोक हो जाते हैं उन जेनिटल्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज अननेसेसरी एंगेजमेंट, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब हुआ क्या है ना, इस सबसे नाउ बॉयज हैव बिकम कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट, है ना, जो लड़के हैं उनमें जान नहीं रही है, एंड द फीमेल्स दे हैव बिकम मेल्स, क्योंकि वो इच्छा इतनी है कंट्रोल करने की, तो इसके कारण द मेन प्रॉब्लम इज फ्री मिक्सिंग। पहले के समय में भी क्या होता था, ये जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री में हमेशा रहता था, मगर वहाँ पे कोई फ्री मिक्सिंग नहीं होती थी, वो रेगुलेट होता था। बट अब जब से जब को एजुकेशन आ गई है ना, इतना फ्री मिक्सिंग हो गया है, सो वो बाउंड्रीज ही नहीं समझ आती कि क्या सही है क्या गलत है, देयर इज सो मच ऑफ फ्री मिक्सिंग। इनफैक्ट शादी के लिए भी है ना, ऐसा कोई कोर्टशिप पीरियड नहीं हुआ करता था। अगर मान लीजिए किसी लड़की की इच्छा भी होगी ना कि मेरे को इससे शादी करनी है, समहाउ उसके गुणों को देखकर उसको अच्छा लग रहा है, तो क्या करती थी, हम सीधे जाके बोल नहीं देगी पिताजी को, वो क्या बोलेगी, दादी को बोलेगी, दादी पापा को बोलेंगे, पापा फिर अपने आप समझाएंगे, तो दादी ये नहीं बताएगी कि लड़की ने बोला है। तो इच्छा होना दैट इज नॉट बैड ना, बट फ्री मिक्सिंग का कल्चर ये तबाह कर जाता है सबको। तो इसलिए एक फॉर्मूला है जो हमें अपनाना चाहिए, दैट इज PPFF, PPFF, पी स्टैंड फॉर नो प्राइवेट टॉक्स, सेकेंड पी स्टैंड फॉर नो पर्सनल टॉक्स, एफ स्टैंड फॉर नो फ्रिवोलस टॉक्स, एंड फोर्थ नो फैमिलियरिटी। तो नो पर्सनल टॉक्स है ना, पहले बहुत आता था किसी से नोट्स लेने हैं जी, तो चले जी लड़कियां अच्छे नोट्स बनाती है तो उनसे ले लीजिए नोट्स ना, तो नोटबुक ली और फिर पेपर दे दिया और फिर उसके बाद नोटबुक दे दी उसको वापस, तो उसके बाद बोला अरे थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी नोट आपने नोट्स बनाए थे, सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच, पास हो गया मैं, मगर नोट्स बड़े अच्छे थे आपके, नोट्स भी अच्छे थे और आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी, यहाँ तक तो चलो ठीक है फिर भी, मगर हाँ अब उसके बाद हैंडराइटिंग लिखने वाली बड़ी अच्छी थी ना, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सो नो पर्सनल कम्युनिकेशंस दैट शुड बी रिक्वायर्ड, साथ में नो प्राइवेट टॉक्स। ना माता जी के साथ या लेडीज के साथ अकेले में बात करना, तो दैट इज नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। सेम इज ट्रू फॉर अदर जेंडर ऑल्सो, जनरली बात करना भी है तो इट शुड बी रिलेटेड टू सेवा, और साथ में कोई ना कोई डिव्यूटीज होने चाहिए, भक्त होने चाहिए। देन कम्स नो फ्रिवोलस टॉक्स, मतलब कैजुअल बातें नहीं करना, जोकिंग के मूड से बातें नहीं करना। देखिए बॉयज बॉयज कैन बी कैजुअल, गर्ल्स गर्ल्स कैन बी कैजुअल, बट बॉयज एंड गर्ल्स बिकमिंग कैजुअल दैट बिकम्स हजार्ड फॉर द सोसाइटी ना, वहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं आएंगी, समझ नहीं आएगा। कई बार होता है ना, लड़का लड़की बात कर रहे हैं आपस में, तो बातों बातों में लड़का बोल देता है, लड़की बोलती है अरे मेरे पापा ना मेरे लड़का देख रहे मेरे लिए, बोले तेरे पापा लड़का देख रहे हैं, तूने अपने पापा को बताया नहीं मैं हूँ सामने, बता देते तू, बोले क्या बात कर रहा है,
मैं तो आज तक तेरे को अपने भाई की तरह देखती थी। बोले सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोला था मैंने ना, आई वॉज जस्ट जोकिंग ना। तो फिर यस, देर वॉज एन इंटेंट इनिशियली ना, बट यू प्रेजेंट इट लाइक अ जोक। तो ऐसे ही फ्रिवोलस टॉक्स शुड बी अवॉइडेड। एंड देन फाइनली नो फैमिलियरिटी ना। तो फैमिलियरिटी से क्या होगा ना, अगेन फ्री मिक्सिंग हो जाएगा ना। तो पहले के समय में 11 साल के बाद कोई फ्री मिक्सिंग नहीं होती थी है ना। उससे पहले तो चलो बच्चे हैं, आपस में खेलते कूदते थे, बट आफ्टर दैट नो फ्री मिक्सिंग। तो उससे क्या होगा ना, देर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी दोनों ही जेंडर्स में। बहुत ना यंग एज में बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता है, देन पीपल लूज देयर सॉवरेनिटी, देयर चेस्टिटी, एंड दे लूज देयर फोकस ऑल्सो। तो उपस्थ वेग को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है ना, रेगुलेशन में रहना ना। क्या मेरे हाउ मच इज माई एरिया ऑफ कंसर्न एंड इन्फ्लुएंस, दैट शुड बी नोन। वी नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज, एंड वेन एवर देर इज क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज, दैट शुड बी रेगुलेटेड बाई हायर अथॉरिटीज। इसलिए संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है ना। पहले के समय गुरुकुल हुआ करते थे, कुछ भी गलत हुआ ना तो गुरुजी प्यार से नहीं तो धमका के ठीक कर देते थे है ना, स्वीकार करते थे। शिष्य भी ऐसे होते थे कि गुरुजी की जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्वीकार करते थे कि हाँ मेरे हित के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना। अभी तो आज के युग में गलती से हम बोल दो ऐसा, अरे आपने हमारे करेक्टर पर निशान उठा दिया, ऐसे कैसे आपको हम ऐसे लगते हैं, हम क्या ये मंदिर में ये करने आते हैं। अरे भैया कुछ नहीं करना चाहते हम, ना आपको भक्ति में लगाना चाहते हैं, ना आपका भला चाहते हैं, इसलिए करेक्ट किया जाता है। तो फाइनली वी डोंट हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ आवर सेंसेस। जो इंद्रियां हैं ना, वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगनी चाहिए। तो देखिए, अगर इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो सचमुच में हम इन इंद्रियों के दास बन जाएंगे। इंद्रियां तो कुछ एंगेज करना चाहती है अपने आप को, तो हमने उनका एंगेज नहीं किया तो वो हमें एंगेज कर देंगी अपनी सेवा में। तो बड़ा सुंदर भागवत में श्लोक आता है, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरणानाम। मतिर न कृष्णे परतो सतोवा, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो ना तो अपने आप से ना किसी और के माध्यम से वो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। क्या करते हैं वो, अदांत गोभीर विषतम तमिश्रम ना, अपनी इंद्रियां ना जो बड़ी भयंकर है, सर्प के समान है, उनसे बार बार डंक लगवाते रहते हैं और फिर फाइनली कहाँ जाते हैं, तमिश्रम, नरक में जाते हैं। और फिर नरक में जाने के बाद पुनः पुनः चर्वित चरणानाम दोबारा से आते हैं भौतिक संसार में और फिर वही चबा हुआ दोबारा से चबाते रहते हैं, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है। एक गन्ने को बार बार चबाते रहे ना, थोड़ी देर बाद तो बेकार हो जाएगा वो। च्युइंगम आप चबाते हैं ना, 5-10 मिनट का मजा आया उसमें और उसके बाद सजा है उसमें है ना। वो चबाते रहेंगे तो दांत दर्द हो जाएंगे, मगर फिर भी निकाल नहीं रहे आप, आपको लग रहा है कुछ और मजा आ जाएगा, एक दो बूंद और मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, फोक ना खाली है बिल्कुल, वो नीरस है। तो ऐसे ही बहुत ही संसार के जो सुख हमें लगते हैं कि बड़े आकर्षक है, मगर बहुत नीरस है। जितना सुख हम सोचते हैं मगर उससे कई गुना दुख दे के जाते हैं वो। इसलिए बहुत आवश्यक है ना कि हम अपने आप को रेगुलेट करें ना, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच गए। तो रूप गोस्वामी को क्यों बोलना पड़ा ना, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है ये, जीवावेगम उदर अवेगम उपस्थ अवेगम। तो एक सिंसियर साधक वो क्या करेगा, ये जो इंस्ट्रक्शंस श्रील रूप गोस्वामी हमें दे रहे हैं ना, इसको अटेंटिवली अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करेगा। हाँ हो सकता है बहुत बार हम गिर जाएं ना, भटक जाएं ना, इन इंद्रियों के हम असिस्टेंट बन जाएं, ऐसा होगा, मगर दोबारा से फिर खड़ा होना है हमें ना, हमें इनका दास नहीं बनना। क्योंकि दास तो बहुत सालों से बने हुए थे, बहुत जन्मों से बने हुए थे, अब हमें ये दास्यता छोड़नी है, अपने इंद्रियों की दास्यता छोड़नी है और हमें कृष्ण की दास्यता स्वीकार करनी है। तो उसके लिए हमें अपने आप को ऊपर उठाना है।
कृष्ण की सेवा के लिए. सो वी नीड टू कंट्रोल आर टंग बेली एंड जेनिटल्स. हरे कृष्णा. श्री रूप गोस्वामी पाद की. ओके.